ने सेकेंड डमी एडमिट कार्ड फिर से यहाँ पे जारी कर दिया है सुधार के साथ। जिस बच्चे का भी फोटो नहीं आ रहा था, सिग्नेचर नहीं आ रहा था या यूनिक आईडी में कोई गलती था, तो फिर से सुधार के साथ जारी किया गया है। कैसे आप नए तरीके से आपको फिर से डाउनलोड करना है और इसमें सुधार का मौका जो है उसका डेट भी बढ़ा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कैसे आपको फिर से यहाँ पर डाउनलोड करना है। जिस बच्चे की भी कुछ भी गड़बड़ी रह गया था, चाहे उनका सिग्नेचर नहीं दिख रहा था या फोटो सही से नहीं दिख रहा था या यूनिक आईडी कार्ड में गलती था या रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी गलती रह गया था, वो पुनः एक बार जो फिर से जारी हुआ है उसे नए तरीके से नए लिंक से यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं सब कुछ यहां पे खुल गया है, यूनिक आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, नाम भी देखिए अच्छे से खुल रहा है और यहां पे जो फोटो है वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो खुल गया है। तो आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका गलती है तो इसे जो आपका डेट है उसे ही बढ़ा दिया गया है कि आप गलती में भी सुधार करा सकते हैं। तो फटाफट देखिए नए लिंक से कैसे आपको खुलना है, फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए और यहाँ पर देखिएगा सब कुछ मिला लीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि यह आखिरी मौका है, क्योंकि इसमें अगर गलती रह गया तो फिर सुधार का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके सब कुछ यहाँ पर आपको मिला लेना है। कोई भी गलती अभी भी रह जाती है तो ये जो सेकेंड डमी एडमिट कार्ड है इसमें सुधार का मौका जो है वो आपका 21 नवंबर तक कर दिया गया है। जो 11 नवंबर तक था उसे बढ़ाकर 21 नवंबर तक कर दिया गया है। 14 नवंबर से 21 नवंबर तक सेकेंड एडमिट कार्ड में, डमी एडमिट कार्ड में आप यहां पे सुधार करवा सकते हैं। अब देखिएगा इसे डाउनलोड कैसे करना है, नए तरीके से डाउनलोड करना होगा। सिग्नेचर के साथ डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में आके बिहार हेल्प सर्च करना है। अब यहाँ से मिस नहीं करना, नहीं तो फिर आपको फिर वही चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिहार हेल्प, पुनः आपको बिहार हेल्प पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की ओर जाना है और एजुकेशन वाले सेक्शन पे जो है यहाँ पे जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड वाले सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा कि बिहार बोर्ड इंटर डमी एडमिट कार्ड, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुलेगा, ठीक होगी। अब देखिएगा यहाँ पे मैं जैसे डाउनलोड करूँगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कैसे डालना है, पासवर्ड कैसे डालना है वो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आपको फिर दिक्कत होगा, फिर बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, अगर फिर भी वही समस्या बनती है तो उसके लिए मैं एक समाधान बताऊँगा उसके लिए करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरीके का लिंक मिलेगा, ठीक है, इस लिंक पर आपको फाइनली जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो पहले इस लिंक पर फटाक से क्लिक कर लीजिए। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालकर डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको पास होगा, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आया था उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो वहाँ पे आपको डालना है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। पहले आपको ईयर, फिर आपको डेट और फिर मंथ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। डालने के बाद, सब कुछ डालने के बाद नीचे डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डिटेल फिल करते ही आपके सामने इस तरीके से पूरा डमी एडमिट कार्ड यहाँ पे खुलकर सामने आ जाएगा। सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ रहेगा, इसे अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। अगर आपका डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो सही बात है, अगर फिर भी इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप यथाशीघ्र अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, और फटाफट सभी को शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।